stuck in limbo. Nothing works in my head. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं देव रजनी ब्लॉग्स. आज हम लोग बेंगलोर में हैं और बेंगलोर के नेशनल पार्क बन्नेरघट्टा जा रहे हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. वेट किस बात का कर रहे हो? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा. तो चलिए चलते हैं बन्नेरघट्टा. बन्नेरघट्टा पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें बन्नेरघट्टा बस स्टैंड पहुंचना है. तो हम लोग पहुंच गए हैं. यहां से कई जगहों के लिए बसें जाती हैं. बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और ये सन 1970 में बनाया गया था. और अब हम लोग टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और इसे 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया था. बन्नेरघट्टा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से एक है जिसे आमतौर पर BBBP के रूप में जाना जाता है. यहाँ सामने देखिए जंगल सफारी यानी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा जू दोनों की एंट्री है. तो पहले हम लोग बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क चलेंगे. तो ये टिकट काउंटर है. यहाँ पर काफ़ी रश है आप देख सकते हैं. और ये आगे रेट्स हैं टिकट्स के जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं. जीप भी जाती हैं और बसें भी जाती हैं. तो एसी बस का पर पर्सन है 900 रुपीज़ और नॉन एसी का है 400 पर पर्सन, जिसमें आप जंगल सफारी कर सकते हैं और चिड़ियाघर भी घूम सकते हैं. तो अभी हम लोग जाएंगे जंगल सफारी के लिए. तो हमने नॉन एसी बस लिया. यहाँ पर एसी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एसी बस पूरी कवर्ड रहती है. इसमें तो मज़ा ही नहीं आएगा, जानवरों को भी हम नहीं देख पाएंगे. तो इसीलिए हमने नॉन एसी बस ली है. और यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है. यह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क लगभग 104.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. हम लोग सफारी पहुँच चुके हैं और हमने बस की टिकट ली है जो 400 रुपये की आई है. यह पार्क दुनिया के चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां कोई शहर के इतने करीब से जंगल का अनुभव कर सकता है. बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थल में से एक है जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटकों की उपस्थिति नोट की जाती है. और अब हम लोग बस में जा रहे हैं और हमें लकली आगे की सीट्स मिल गई थी. तो हम लोग आगे बैठेंगे जहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा आएगा और हम लोग पास से जानवरों को भी देख पाएंगे और उनका वीडियो निकाल पाएंगे. और अब हमारी बस तैयार है चलने के लिए. तो चलते हैं जंगल सफारी के लिए. यहाँ पर ये देखिए विंडो यहाँ खुली हुई है तो इसमें से बहुत मस्त हवा आ रही है. एसी बस में ये मज़ा कहाँ आने वाला था. सामने बटरफ्लाई पार्क है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं. इसकी टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है. बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक और ये मंगलवार को बंद रहता है. यहाँ पर देखिए हिरण और ये बाकी जानवर आराम से घूम रहे हैं. यहाँ पर देखिए वाइट टाइगर बैठा हुआ है. ये वाइट टाइगर बहुत कम मिलते हैं देखने को. एक ये इधर टहल रहा है.
यह पार्क वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है, जहां पर्यटक पार्क के चारों ओर हरी भरी हरियाली देख सकते हैं। यहां देखिए, ये जंगली भालू है जो पेड़ की छाया में आराम से सो रहा है। यहाँ देखिए, ये भालू जी मस्त रोड के साइड में बैठे हुए हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं। यहाँ सामने देखिए, एक छोटा सा तालाब है, उसके किनारे कितने हाथी हैं अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत की कई दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, जिनमें हाथी, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, सुस्त भालू, चित्तीदार हिरण, शाही एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर छिपकली, कोबरा सहित विभिन्न वन्य जीव और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये तीन चार टाइगर हैं, एक टाइगर बाहर है और दो तीन अंदर हैं, जो आपस में मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और बाहर वाला टाइगर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये तो रोड पे ही घूम रहा है और ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अंदर वाले टाइगर भी इसके साथ साथ भाग रहे हैं। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले पेड़ों की बात करें तो अधिकतर इस पार्क में चंदन, नीम, इमली, जामुन, नीलगिरी, बांस के पेड़ पाए जाते हैं। इनके साथ साथ इस पार्क में विभिन्न प्रकार के फूलों और छोटे छोटे पेड़ों की झाड़ियां भी देखी जा सकती हैं। इन टाइगर्स की मस्ती देखकर बस में जो बड़े छोटे जो भी थे सबने बहुत ही इंजॉय किया। सामने बहुत सारे हिरण हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करना अपने में एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें आप बहुत ही पास से जानवरों को देख सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक जानवर के लिए अलग एरिया है, तो यहाँ पर गेट बनाया जाता है, जिसमें अंदर जो एरिया है उसमें वही जानवर रहते हैं। तो यहाँ भालू का एरिया है, ये देखिए भालू जी रोड पर बैठे हुए हैं आराम से, इन्हें किसी की चिंता नहीं है, कोई आए जाए इन्हें कोई मतलब नहीं है।
जो खतरनाक जानवर हैं उनको अलग रखा जाता है, तो ये एरिया बनाया जाता है जिसके लिए बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं, तो उनमें से होके बसें जाती हैं अंदर। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क अपनी जंगल सफारी के साथ साथ ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है, जिसमें आप पार्क में हरे भरे पेड़ों के बीच पगडंडी रास्तों से गुजरते हुए ट्रैकिंग एंजॉय कर सकते हैं। बता दें, जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ साथ बन्नेरघट्टा टाइगर रिजर्व घूमने जाएंगे, तो आप यहाँ हजामना कुल्लू एक प्राकृतिक चट्टान है और मिर्जा हिल तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और टाइगर है जो यहाँ घूम रहा है और एक टाइगर उधर पेड़ के पीछे सो रहा है। यहाँ सामने देखिए ज़ेब्रा हैं जो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सामने शेर महाराज जी हैं जो आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ सामने देखिए व्हाइट टाइगर जो आराम से टहल रहा है। हमारी जंगल सफारी वाली बस अपने स्टैंड पर वापस आ चुकी है। हम लोगों को जंगल सफारी करते हुए थोड़ी सी भूख भी लगाई है। यहाँ पर टिकट काउंटर के पास में एक अन्नपूर्णा होटल है, तो यहाँ अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो सामने स्क्रीन पर आपने देखी, उसके साथ रेट भी थे। और ये पूरा ये थोड़ा सा कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पर सामने शॉप्स हैं तो छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने पूरी सब्जी और वड़ा सांभर लिया, हमने बहुत इंजॉय किया। तो अब हम मिलते हैं बन्नेरघट्टा के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।